गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है लेजीनेस टेंडेंसी टू। लेजीनेस होती है सुस्ती, काम करने को दिल ना करना, कुछ भी करने को दिल ना करना, स्लो हो जाना, रिलैक्स हो जाना, इच्छा ना करनी कुछ भी करने को, कोई भी एफर्ट डालने को, कोई भी एग्जर्शन करने को दिल ना करना, आलस, टेंडेंसी टू, उसकी ये प्रवृत्ति है, उसका झुकाव इस तरह का, उसका रुझान इस तरह का है। यूजुअली ये लोग ऐसे होते हैं, इनकी टेंडेंसी ऐसी होती है लेजीनेस की, इनका बिहेवियर इस तरह का होता है। सो आज के रूब्रिक के अकॉर्डिंगली लेजीनेस टेंडेंसी टू के इन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि ये सुस्त हो जाते हैं या सुस्त होते हैं, इनका काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, ये इनकी जनरल टेंडेंसी है। किसी भी चीज़ में एफर्ट डालना बिल्कुल नहीं, स्लोनेस, लेजीनेस, और बिल्कुल काम करने को, कुछ भी करने को मन ना करना। इस रूब्रिक में हमारे पास दो मेडिसिन हैं, साइक्लामैन एंड लैकेसिस। साइक्लामैन में फिजिकल इंडोलेंस है, क्योंकि उसमें डिल्यूजन्स इस तरह के होते हैं, उसको लगता है कि ही इज़ अ क्रिमिनल, उसने कोई क्राइम कर दिया है, उसने कोई गलत कर दिया है, और अब वो अकेला है, डिजर्टेड है, अलोन, फोरसेकन, और बहुत गिल्टी कॉन्शियस होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। शायद उस वजह से फिजिकल इंडोलेंस होती है, लेजीनेस होती है, ड्यूटी निगलेक्ट का थीम होता है इसमें कि मैंने अपनी ड्यूटी निगलेक्ट की है साइक्लामैन में, तो उस वजह से हो सकता है कि उसकी टेंडेंसी टुवर्ड्स लेजीनेस हो जाती होगी। दूसरी मेडिसिन है लैकेसिस। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि लैकेसिस में लेजीनेस की टेंडेंसी है, लेकिन अगर हम लैकेसिस को अच्छी तरह से देखते हैं, समझते हैं, तो एक तरफ वो हाइपर है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, सिट एवर्शन टू है, बिल्कुल बैठ नहीं सकता, टिक नहीं सकता। सिट एवर्शन टू में सिर्फ दो मेडिसिन्स हैं, एक आयोडम और दूसरी लैकेसिस, और कोई भी काम ये ढंग से नहीं कर सकता, और इसमें लेजीनेस होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये किसी दूसरे का काम करता ही नहीं है। अगर किसी ने कुछ कह दिया करने के लिए, ये नहीं करता। लैकेसिस में डिप्सोमेनिया, अल्कोहलिज्म है फ्रॉम आइडलनेस, आइडल होता है फ्री रहना, तो सुस्ती के साथ साथ ये जब फ्री होता है तो इसको शराब पीने की लत लग जाती है। और किस वजह से? आइडलनेस की वजह से। सो स्लो है और आइडल है, फ्री है, ये भी इसका लैकेसिस का रूब्रिक है। सो इतना, एक तरफ इतना हाइपर और दूसरी तरफ टेंडेंसी टू लेजीनेस, क्योंकि बहुत बार लोग आके अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, लैकेसिस के बच्चों के बारे में, तो वहाँ पे ये कंडीशन आती है कि ये स्लो भी बहुत है और ये लेजी भी बहुत है। दिस इज़ ऑल इन टूडेज़ वीडियो। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन भी यही है कि लैकेसिस के साथ रिलेटेड तीन लेजीनेस के, स्लोनेस के रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू।